सबका हमारे YouTube चैनल राय कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल का आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत दसम श्रेणी के भूगोल के प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। अतः आप सबसे अनुरोध है कृपया कर इस वीडियो के अंत तक अवश्य बना रहें। अगर आप मॉडल एक्टिविटी टास्क के अंतर्गत किसी भी कक्षा के किसी भी विषय का अगर सॉल्व आंसर चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप मदद ले सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नदी के संचय कार्य के कारण उत्पन्न दो भूमि गठनों का वर्णन चित्र समेत करें। पहला देखिए, प्राकृतिक तटबंध। बाढ़ के समय बहाकर लाए गए अवसाद नदी के दोनों किनारों से कुछ दूर दोनों ओर जमा होते रहते हैं। इस प्रकार नदी के दोनों किनारे नदियों से ऊंचे उठने लगते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के समय अधिक अवसाद मुख्य धारा से दोनों ओर फैलता रहता है। इस प्रकार किनारे पर ऊपर उठे भाग प्राकृतिक तटबंध कहलाते हैं। इसका पिक्चर आपको एक बनाना होगा जो कि नीचे आ गया आपके सामने। ये पिक्चर देख लीजिए, ये तटबंध का है, प्राकृतिक तटबंध। आगे देखिए, इसमें दो बोला था पॉइंट आपको, दूसरा पॉइंट है आपका डेल्टा। यहाँ तीन नंबर लिखा है पर आप दो नंबर लिख लीजिएगा। तो नदी अपनी अंतिम अवस्था में समुद्र के पास अथवा समुद्र से मिलने से पूर्व अपने साथ बहाकर लाए गए और साथ का जमाव करती है। अवसाद का जमाव अधिक होने से नदी की मुख्य शाखा कई वितरिकाओं में बटकर प्रायः त्रिभुजाकार मैदान का निर्माण करती है, इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का पिक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत है, ये बना लीजिएगा पिक्चर। छोटा थोड़ा आपको करके दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मरु का विस्तार रोकने के तीन उपाय का उल्लेख करें। मरु यानी मरुस्थल। तो मरु का विस्तार रोकने के तीन उपाय, मरुस्थलीय भाग स्थिर नहीं है, प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से इसका विस्तार होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की रिपोर्ट के अनुसार अविवेकपूर्ण मानवीय क्रियाओं के कारण विश्व में 1,30,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूमि मरुस्थलीय हो गई है। इसे रोकने हेतु निम्न उपाय किए जाने चाहिए। पहला, क्या कार्य करना चाहिए? वनों का विस्तार होते पर ध्यान देना आवश्यक है। दूसरा, नई संरक्षण एवं शुष्क कृषि का विकास होना चाहिए। जबकि तीसरा है, मरुस्थलीय वनस्पतियों की कटाई पर रोक लगाई जाना चाहिए तथा वर्षा के जल का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत के पूर्व और पश्चिम, यानी इसको पूर्वी कह सकते हैं, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान के बीच क्या अंतर है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका दो भाग है, एक पूर्वी तटीय मैदान है, दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय का देख सकते हैं, यह तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, जबकि पश्चिमी बताया गया कि यह तटीय मैदान कम चौड़ा है। इस क्षेत्र की भूमि की ऊंचाई कम है, जबकि पश्चिमी बताया गया इस क्षेत्र की भूमि की ऊंचाई अधिक है। पूर्वी में बताया जा रहा है तीसरा पॉइंट, भूमि अत्यधिक उपजाऊ है अतः कृषि का विकास अधिक हुआ है, जबकि पश्चिमी बताया जा रहा है तीसरा पॉइंट कि भूमि कम उपजाऊ होने के कारण कृषि का विकास कम हुआ है। फिर पूर्वी तटीय मैदान में देखिए, इस क्षेत्र की नदियां मंद गति से बहती हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की क्षेत्र की नदियां जो है तीव्र गति से बहती हैं। पूर्वी तटीय मैदान बताया गया इस क्षेत्र की नदियां मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्र की जो नदियां होती हैं मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन है आपका,
अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी के प्रभाव का वर्णन करें। तो अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी के निम्नलिखित प्रभाव हैं। पौधे में ऑक्सीजन का अभाव। अतिरिक्त भूगर्भस्थ जल निकासी से ऑक्सीजन के अभाव में पौधे के वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा है, पौधे में विभिन्न प्रकार के रोग, तो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु आदि की सक्रियता से पौधे की जड़ों में अनेक प्रकार के रोग पनपने लगते हैं। तीसरा पॉइंट है, भूगर्भस्थ जल का पतन। अतिरिक्त जल निकासी का परिमाण स्वरूप भूगर्भस्थ जल का पतन होता है, जिससे गर्मी के दिनों में प्रयोजन के अनुसार जल नहीं मिल पाता। अतिरिक्त भूगर्भ जल निकासी के कारण भूमिगत जल का स्तर अत्यधिक नीचे की ओर खिसकता चला जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश का किसान लगभग 210 लाख ट्यूबवेल लगाकर खेतों की सिंचाई कर रहे हैं,